अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी तुरई दाल, जो बहुत ही इजी झटपट से बन जाती है। ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, मैंने ये यहाँ पर हाफ के जी तुरई लिया है। इस तरह की होती है ये। अब हम इसे पील ऑफ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे, ठीक है, स्लाइस कर लेंगे इसे। ये देखें, मैंने इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है और इसे वॉश कर कर रख लिया है। और हाफ कप मसूर की दाल यहाँ पर सोक कर कर रख लिया है। इसे भी अच्छे से वॉश कर कर रख लें। ये एक टमाटर लिया है, चॉप कर लिया है, इसके सीड्स निकाल लिया है, एक छोटी सी ऑनियन को स्लाइस कर लिया है। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे झटपट से। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर इसे गरम कर लेंगे। ऑनियन ऐड कर देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। जैसा ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है हमें टमाटर को। नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम टमाटर को गला लेंगे, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर गल चुके हैं, अब यहाँ पर हम तुरई ऐड कर लेंगे। अच्छे से तरह से आप इसे मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ये झटपट से बना रहे हैं इसलिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। 1/2 कप पानी ऐड कर इसे 2 सीटी लगा लें। ये देखें, 2 सीटी होने के बाद चेक कर लेंगे, तुरई जो है गल चुकी है, पानी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हम इसी में दाल ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसे ढाप कर आप पका लें दाल गलने तक। हाई फ्लेम पर पकाएं, 5 मिनट्स में दाल गल जाएगी। ये देखें, 5 मिनट्स हो चुके हैं, हम चेक कर लेंगे। ये देखें, देखने से लग रहा है कि दाल गल चुकी है। हमें ओवर कुक नहीं करना है इसे, बस इसे हम ढाप कर सिंपर छोड़ देंगे पानी सूखने के लिए। इसके ऊपर जो तेल है वो सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। इसे ढाप कर आप पका लें। ये देखें, 2-3 मिनट तक मैंने इसे सिंपर छोड़ दिया है, जो तेल है सेपरेट हो गया है। आप ये रेडी है सर्व करने के लिए। झटपट ब्रेकफास्ट रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसे आप सर्व करें रोटी चपाती के साथ, बहुत ही टेस्टी होती है ये, बहुत ही हेल्दी होती है। बच्चों के इस तरह से आप बना कर दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।